रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहमान नहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम करने लगे हैं फ्रैक्शंस को होल नंबर के साथ, पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। तो जिस तरह हमने देखा था कि रिपीटेड एडिशन इज़ मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह जब फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली उतनी दफ़ा जमा करना होता है। फ्रैक्शन क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल, किसी चीज़ का हिस्सा या किसी ग्रुप का हिस्सा। तो डेमोंस्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2/5 विद 3 यूजिंग डायग्राम। तो डायग्राम यूज़ करते हुए 2/5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो पहले आप लेसन में ये समझ चुके हैं, यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें, खुद से कोशिश करें, फिर इसका जवाब देखें। तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 2/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5। हमने 3 दफ़ा जमा करना है 2/5 को। अगर हम देखें कि 2/5 का मतलब है कि एक डायग्राम है, इसके 5 हिस्से हैं और उसमें से 2 हिस्से कलर्ड हैं, यानी 2 फ्रैक्शंस हैं आउट ऑफ 5। तो अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डायग्राम हमने बनाई और हमने इसको 3 दफ़ा जमा किया। एक तरफ आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं और राइट साइड पे वही डायग्राम्स हैं। तो अगर आप इसको देखें तो एक होल नंबर बनता है 1 और 1/5, यानी अगर आप 6 पार्ट्स हैं, 6/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो एक होल और 1/5। तो प्यारे बच्चों, अपनी पूरी ज़िंदगी को सुलझाने की बजाय अपनी ज़िंदगी में रोज़ एक एक करके अच्छी आदत जमा करते जाएं, और फिर एक वक्त आएगा कि आपकी पूरा किरदार अच्छा हो जाएगा। डिज़ायर्स डिक्टेट आवर प्रायोरिटीज़, जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं वो हमें बताती हैं कि हमने अमल क्या करना है, वही हमारा इंतखाब बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें ख्वाहिशात की बजाय अपनी तरजीहात मुकरर करनी चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक ज़िंदगी का दिन हमारा एक जार के मुतरादिफ है। अगर तरजीहात तय ना हो तो ज़िंदगी गुजर जाती है गैर अहम कामों में, मतलब गप शप लगाना, टीवी देखना, मोबाइल पर टाइम ज़ाया करना। और अगर आप पहले से अहम काम करने की आदत डालें तो रेत जो के कम अहम काम होते हैं वो जार में फिट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी ज़िंदगी की तरजीहात में से सबसे पहली तरजीह है अल्लाह से ताल्लुक कायम करना। और वो कैसे हो सकता है? अगर हम कुरान जी तर्जमे के साथ पढ़ें, जो अल्लाह की भेजी हुई किताब है, और अल्लाह के नबी की सीरत का मुतालिया करें, क्योंकि अल्लाह ने कुरान जी में फरमाया है कि बेशक अल्लाह ने कुरान को आसान फरमाया है। प्यारे बच्चों, आपको उर्दू पढ़नी आती है तो इसको कुरान जीत को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डेमोंस्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3/4 विद 6 यूजिंग डायग्राम। आपने 3/4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और उसकी डायग्राम भी यूज़ करनी है। आप यहाँ पे वीडियो आप स्टॉप करें, आप पिछला एग्जाम्पल भी हल कर चुके हैं। तो अब हमने देखा कि 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो हम 3/4 को 6 टाइम ऐड करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स हमने 3/4 को ऐड किया। और अगर आप इसकी डायग्राम बनाएं तो एक चकोर है, मुरब्बा है, उसके 4 हिस्से किए और आपने उसमें से 3 फ्रैक्शंस लिए, यानी टोटल 4 हैं और आपने 3 लिए 3/4। अब आप इसको डायग्रामेटिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 3/4 की आपने 4 डायग्राम्स बनाई, लेफ्ट साइड पे आपने नंबर्स लिखे हैं और राइट साइड पे उसी चीज़ को डायग्राम की शक्ल में रखा है। तो अब आप देखें कि हमारे पास 3, 6 और 18, और अगर हम इसको 4 होल एंड 2/4, तो इसको हमारे पास इस तरह से जवाब आ जाता है। तो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो प्यारे बच्चों, अपने अखलाक़ों किरदार को संवारें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।